हाय एवरीवन हम लोग एन सीरीज में मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं तो पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रूट के बारे में सीड के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला की बात ठीक है तो अब देखिए कि जितने भी फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात हमने की क्या उन सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स का को सिम्बोलिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं बिल्कुल किया जा सकता है तो इन सारे फ्लोरल कैरेक्टर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं ठीक है तो यहां पे देखिए कुछ लाइंस लिखी हुई है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए यहां पे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट सेमी मतलब हाफ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मतलब उसके फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोर डायग्राम वगैरह की बात जो होगी उसके बारे में देखो वेरियस मोफोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ठीक है अब कह रहा है कि जितने भी मोफोलॉजिकल फीचर्स हैं फ्लावरिंग प्लांट के उसको डिस्क्राइब करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन जो होगा ये सिंपल होगा आसान होगा और साइंटिफिक भाषा में होंगे और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ठीक है जैसे सबसे बाहर वाले पार्ट कौन से हैं कैलिक्स हैं तो कैलिक्स को पहले लिखेंगे फोरोलास के बाद एंड्रोशियम के बाद गैनोशियम उसके बाद मतलब तो तो जैसे फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल उसको उसी रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अब इसके बाद देखिए दी प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विथ इट्स हैबिट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स रूट स्टेम लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स इन फ्लोरसेंस फ्लोरल पार्ट अब देखो इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हैबिट कैसे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है मतलब रूट कैसे हैं स्टेम कैसे हैं लीफ कैसे हैं और इसके बाद इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स फ्लोरल डाइग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रजेंटेड अब कहते हैं क्या कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट का यदि हम डिस्क्रिप्शन करें और पार्ट प्लांट के कौन से पार्ट का डिस्क्रिप्शन करें डिफरेंट प्लांट पार्ट का मतलब यदि फ्लावर की बात करें तो फ्लावर को यदि सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्लोरल फार्मूला और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फ्लो डायग्राम अब देखो दी फ्लोरल फार्मूला इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सब सिंबल्स जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि फ्लोरल फार्मूला को सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्लोरोफार्मूला बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। अब देखो कि जैसे फ्लावर हैं और ऐसे लीफ जिसके एगल से फ्लावर निकलते हैं तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहते हैं ब्रैक कहते हैं ठीक है ऐसे लीफ को हम लोग ब्रैक कहते हैं ठीक है और जो लीफ है उसे हम लोग ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं हम लोग ठीक है अब इसके बाद देखो के जो है कैलिक्स को स्टैंड करता है के क्या होते हैं जो लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं अब देखो ये लीफ की तरह का स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक -like जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं ठीक है सी स्टैंड कोरोला सी जो है कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि तो फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है इसको कोरोला कहते हैं और पी फॉर पेरियांत्र पेरियां का मतलब जहाँ पे कई ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं जिसमें कैलिक्स करोला डिस्टिंग्विश नहीं होता है तो यदि कैलिक्स करोला डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं तो उसकी जगह पे क्या होता है पेरियांत होता है ठीक है तो इसमें हम लोग पेरियां की बार डिस्कस करेंगे ए फोर एंड्रोशियम और ए किसके लिए है एंड्रोशियम के लिए है जी फोर गाइनोशियम जी मतलब जो स्टार्टिंग होते हैं जिससे स्टार्ट जिस लेटर से जो शब्द स्टार्ट होते हैं उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी देखिए जी को यदि हमने अंडरलाइन कर दिया तो ये हो गया सुपीरियर ओवरी मतलब यदि जी के जैसे जी हैं जी के नीचे लिखते हैं तो ओवरी टॉप पे है सुपीरियर ओवरी मतलब जो टॉपर हैं सुपीरियर हैं उनको चेयर में बैठाएंगे इसके बाद इन्फीरियर ओवरी और जो इन्फीरियर होते हैं उसको क्या करेंगे क्या चेयर में बैठाएंगे नहीं चेयर के नीचे बैठाएँगे ठीक है अब देखो मेल और ये फीमेल होते हैं ये बाइसेक्शुअल फ्लावर हैं और ये जो प्लस होते हैं जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो मेडिकल का सिंबल क्या होता है प्लस ठीक है डॉक्टर का सिंबल प्लस होता है उसके चारों ओर यदि ब्रैकेट हम बना दें चारों ओर यदि हम सर्कल बना दें इनफैक्ट तो उसको कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है और यदि सम हाव पर्सेंटेज की तरह यदि होंगे एग्जैक्ट परसेंटेज की तरह नहीं होंगे इन सम हाव पर्सेंटेज की तरह होंगे इसको जयगोमॉर्फिक है फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैक एंड एडिशन बाय द लाइन ड्रॉइंग अब सिंबल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अब देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एंड्रोशियम है तो एंड्रोशियम पाँच हैं और ये पाँच फ्यूज हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो जो फ्यूज फ्यूजन वाले स्ट्रक्चर होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और जो चीज़ें आपस में फ्यूज नहीं होती हैं जैसे यहाँ पर देखिए कैलिक्स हैं ये हैं एंड्रोशियम करोला है एंड्रोशियम है तो इसके बीच में जो फ्यूजन होता है इसको ऊपर में आर्क शो करके दिखाते हैं द फ्यूजन इज इंडिकेट बाई द इंक्लूजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट ठीक है एंड एडहेशन बाय अ लाइन ड्रॉइंग अब सिम्बॉल ऑफ फ्लोरल पार्ट्स देखिए इसी लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंड्रोशियम पेटल के साथ जुड़े हुए हैं अब देखो अ फ्लोरल डाइग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लावर ठीक है अब देखिए डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं फिर उनके अरेंजमेंट कैसे हैं मतलब पहले कौन होंगे इसके बाद कौन होंगे उसका एस्टिवेशन क्या है प्लाजेंटेशन क्या है ये सारी चीज़ें होती है रिलेशन दे हैव विथ अनदर वन उनके बीच में क्या रिलेशन होता है द पोजिशन ऑफ मदर एक्सेस विध रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड एट डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लो डायग्राम अब देखो जब अब कभी भी हम फ्लोर डायग्राम की बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए जब कभी भी हम फ्लोडाइग्राम की बात करेंगे देखो ये फ्लोडाइराम है और इसमें मदर एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टॉप पे देखो ये डॉट है और ये टॉप पे है तो मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब कहोगे कि सर ये मदर एक्सिस क्या होता है जैसे देखो ये स्टेम है तो स्टेम होंगे तो इससे निश्चित रूप से क्या अटैच होता है फ्लावर अटैच होता है और इसी को हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं इसको हम लोग ब्रैक कहते हैं इसको मदर एक्सिस कहते हैं और इसको फ्लावर कहते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती है अब देखो इसके बाद दी पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड एट डॉट ऑन द टॉप डायग्राम कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रोन द सक्सेसिव मोल पहले कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड लन गाइनोशियम कैलिक्स बींग द आउटर मूज गायनोशियम बीग द सेंटर अब कैलिक्स सबसे बाहर की ओर होता है और गायनोशियम कहाँ पे होते हैं सबसे सेंटर में होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एडहेशन विद इन पार्ट ऑफ फ्लोरल वॉल्स एंड बिटवीन वॉल्स, ठीक है अब देखो एडहेशन और कोहेशन कोहेशन क्या होता है कि एक कई प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कैलिक्स हैं तो कैलिक्स या फिर कोरोला की बात कर लेते हैं कोरोला जो होते हैं उसके अंदर पेटल्स होते हैं तो एक पेटल दूसरे पेटल से जो जुड़े हुए होंगे तो उसको कोहेशन कहते हैं और यदि पेटल्स स्टामिन के जुड़े हुए होंगे तो उससे एडेशन कहते हैं ठीक है अब देखो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेस यहाँ पे एक मस्टर्ड फैमिली की बात कही गई है लिखी गई है तो देखिए मस्टर्ड फैमिली में क्या क्या फ्लोरल फार्मूला फ्लो डायग्राम है देखो यहाँ पे मस्टर्ड फैमिली है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए पहले हम डायग्राम की बात कर लेते हैं देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इसको हम लोग कहते हैं सेफल ठीक है सैपल. मस्टर्ड फैमिली में टोटल कितने सैपल होते हैं चार होते हैं मतलब मस्टर्ड में चार सैपल होते हैं देखिए ये वाले जो हैं बाहर की ओर ये दोनों अंदर की ओर और, और ये पर की ओर कवर है मतलब ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन की तरह दिखा रहा है दो बाहर दो अंदर यहाँ पे देखो ये वॉलवेट एस्टिवेशन है देखिए ये है पेटल ये है पेटल पेटल किस प्रकार का दिखा रहा है वॉलट एस्टिवेशन मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं है ठीक है इसके बाद देखो ये जो है ये दिखा रहा है स्टेमिन को ये स्टेमिन है ठीक है स्टामिन जो होंगे टोटल छ स्टाम होते हैं और यदि आप देखोगे तो चार इसमें लंबे होते हैं दो छोटे और, दो बाहर की ओर होते हैं देखो बाहर वाले को बाहर रिप्रेजेंट कर दिया गया है में और चार अंदर हैं तो अंदर वाले को अंदर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया गया इसके बाद देखो ये पेराइटल प्लासेंटेशन शो करते हैं ये है गाइनोशियम गाइनोशियम में क्या होता है पैराइटल प्लाजेंटेशन शो करता है इसमें यहाँ पे देखो क्या होंगे ये स्ट्रक्चर हैं और ये पेरीफ्री से इस प्रकार से अटैच है से अटैच है इधर ही से अटैच होंगे इधर ही से अटैच है ठीक है इसको पैराइटल प्लाजेंटेशन कहते हैं गाइनोशियम में बेसल बल्ब पोर्शन जो होते हैं उसको ओवरी कहते हैं और ओवरी जो होते हैं उसमें पैराइटल प्लाजेंटेशन प्रेजेंट होता है ठीक है ये बात हुई इसके बाद हम लोग फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं देखो इसमें फ्लोरल फार्मूला कैसा होगा एक्टिनोमॉर्फिक इसके बाद होंगे बाइसेक्शल इसके बाद होंगे सेप्पल जो होते हैं चार होते हैं दो बाहर की ओर और दो अंदर की ओर तो टू प्लस टू होता है कोरोला कितने होते हैं कोरोला में चार पेटल्स होते हैं और ये क्रॉस लाइक होते हैं जैसे आप देखिए कि एक पेटल इधर है एक पेटल इधर है एक पेटल इधर हैं और एक पेटल इधर है तो ये क्या होंगे क्रॉस लाइक होते हैं इसलिए इस फैमिली के नाम कुर्सी फेरी फैमिली भी है और एंड्रोशियम जैसे बताया कि इसमें टोटल छः होंगे ठीक है छः होंगे टोटल छः टोटल हैं और दो छोटे हैं चार बड़े और दो छोटे इसीलिए इसको टू प्लस फोर लिखते हैं मतलब टेटरा कंडीशन गाइनोशियम में कार्पेल दो होंगे यदि आप देखोगे तो इसके गाइनोशियर में दो कार्पल या दो पिस्टल दिखाई देंगे और वो पिस्टल या कार्पल आपस में जुड़े हुए होते हैं इसीलिए इसको सिन कार्पल कहते हैं और ओवरी टॉप पे होते हैं इसीलिए इसको हम लोग ओवरी सुपीरियर कहते हैं ठीक है तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोराडाइग्राम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिफरेंट फैमिलीज की बात हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस करेंगे बने रहिए इस चैनल के साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह के नए वीडियो यदि अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है।, है तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू वेरी मच